नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम स्किल पर। जो हमने पिछला पार्ट किया था UPSI के लिए परसेंटेज का पार्ट 5, तो आज हम स्टार्ट करेंगे परसेंटेज का पार्ट 6, जिसमें मैं आपको कीमत और खपत के बीच का रिलेशन समझाऊंगा कि कीमत और खपत के बीच का रिलेशन समझाऊंगा कि उनके बीच में रिलेशन क्या है। उम्मीद है आपने पहली क्लास ज्वाइन की होगी और उसको वो अच्छे तरीके से आपने तैयार किया होगा। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ जो पहला क्वेश्चन आपका है, चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है तो चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि उसका कुल खर्च स्थिर रहे। मतलब आप ध्यान से समझिए कि क्वेश्चन की लैंग्वेज है क्या। क्वेश्चन की लैंग्वेज इस तरीके से है कि एक बात ध्यान से समझे आप। मान लिया मैं आपको कहूं कि कीमत, और कीमत की मल्टीप्लाई आपने किससे कर दीजिए, खपत से। तो खपत से मल्टीप्लाई होने के बाद आपका रिजल्ट क्या होगा, तो आप कहोगे कि जो रिजल्ट होगा आपका टोटल खर्च। मतलब कि अगर मान लिया हमने कि कीमत आपकी तीन रुपए पर केजी है और भाई आपकी जो खपत है वो 5 केजी है। आपकी खपत क्या है, 5 किलोग्राम है, तो आपका खर्चा क्या होगा, तो आप कहोगे कि 15 रुपये होगा। क्या होगा, 15 रुपये होगा। अब आप ध्यान से समझो कि इसमें आपको कहा गया कि जो आपका खर्च है वो खर्च क्या है, स्थिर रहे। खर्च स्थिर का मतलब है कि अगर मैं कहूं कि आपका खर्चा 15 ही रुपये रहना प्रत्येक कंडीशन में, और मैं आपकी कीमत को क्या कर दूं जी, बढ़ा दूं, इंक्रीज कर दूं। अब मैं आपको कहा कि आपकी कीमत बढ़ गई जी और बढ़कर 4 रुपये पर किलोग्राम होगी। कितनी होगी जी, 4 रुपये पर किलोग्राम होगी। तो बताओ खपत कितनी कम करनी होगी जबकि आपको खर्चा 15 ही रुपए का करना जी। कितने रुपए का खर्चा करना आपको, 15 ही रुपए का खर्चा आपको करना है। तो इसका मतलब है अगर आपकी कीमत 3 रुपए से बढ़कर 4 रुपए हुई कि 4 रुपए हुई, तो आपको कुछ खर्च कम करना होगा, तभी जाके आप अपने खर्च को कितना रख पाओगे, 15 रख पाओगे। मान लिया कि अब आपने x किलोग्राम का खर्चा किया और खर्च करने के बाद आज भी आपका खर्चा कितना है, 15 ही रुपए है। कितना है, 15 ही रुपए है, क्योंकि खर्चा आपका स्थिर है। तो भाई अगर मैं यहां से x की वैल्यू निकाल लूं कि x है क्या, तो आप कहोगे कि 15/4 है। तो कितना जी, 4 * 3 = 12, कितना बचा जी आपका, 3 * 4 = 28 और 4 * 5 = 20। यानी कि अगर मैं 15 को 4 से डिवाइड कर दूं तो रिजल्ट क्या होगा, 4 * 3 = 12, और यानी कि 3.75 किलोग्राम। जो आप पहले खर्च कर रहे थे कितने किलोग्राम का, 5 किलोग्राम का खपत थी, आज खपत कितनी हुई, तो 3.75 किलोग्राम की हुई। मतलब मैं ये बात कहना चाह रहा कि अगर खर्चा आपका स्थिर है, तो कीमत और खपत आपस में रेसिप्रोकल होंगे, यानी कि उल्टे होंगे। मतलब क्या है कि अगर कीमत इंक्रीज होगी और खर्चा आपका स्थिर होगा तो खपत क्या होगी जी, आपकी कम होगी, और अगर कीमत कम होगी तो खपत क्या होगी, आपकी बढ़ेगी। लेकिन किस कंडीशन में, जब आपका खर्चा क्या होगा, स्थिर होगा। तो उस कंडीशन में अगर आपने कीमत बढ़ाई तो खर्चा कम, खपत कम होगी, और आपने कीमत कम कर दी तो खपत क्या होगी, ज्यादा होगी साहब। तो उन्हीं से बेसिस क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो के अंदर डील करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आप एक बार वीडियो को शेयर जरूर करें कि तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए जी अपने क्वेश्चन की तरफ। मैं आपको इसका एक बेसिक तरीका समझाता हूं। आपने कहा कि चीनी का मूल्य 20% इंक्रीज हुआ, तो 20% का मतलब है क्या, तो 20% का मतलब होगा कि 20% का मतलब होगा 1/5, यानी कि आपने मान लिया कि 5 यूनिट आपका क्या है, ओरिजिनली प्राइस है, ओरिजिनल क्या है, प्राइस है, और 1 यूनिट क्या है, तो 1 यूनिट की क्या हुई जी, आपकी वृद्धि हुई। 1 यूनिट की क्या हुई, आपकी वृद्धि हुई। और अगर 1 यूनिट की वृद्धि हुई तो मैं क्या कह सकूं कि अगर मैं शुरू की बात करूं जी, अगर मैं ओरिजिनल की बात करूं कि भाई आपकी कीमत क्या हुई, तो आप कहोगे कि अगर ओरिजिनल कीमत 5 रुपए है, मान लिया मेरी ओरिजिनल कीमत कितनी है, 5 रुपए है, 5 रुपए प्रति किलोग्राम है चीनी का मूल्य। मान लिया जा आपने कि ओरिजिनली मूल्य क्या है, 5 रुपए प्रति किलोग्राम है,
तो अब बढ़ के कितना होगा? तो आप कहोगे कि एक यूनिट की वृद्धि होगी, यानी कि 5 का 20% एक होगा, तो इसका मतलब एक यूनिट की वृद्धि होगी। तो 5 रुपए प्रति किलोग्राम से कितना हो जाएगा जी? 6 रुपए प्रति किलोग्राम होगा। क्या होगा? 6 रुपए प्रति किलोग्राम होगा। अब आपने कहा कि आप हर एक केस के अंदर क्या रखेंगे? अपना कुल खर्चा क्या रखेंगे? स्थिर रखेंगे जी। तो अब आप अपनी तरफ से कोई भी कीमत मान सकते हैं कि भाई इसकी कोई भी कीमत होगी, तो मैं मान लिया किस तरीके से, तो आप ऐसी कीमत मान लो जो 5 और 6 से दोनों से एक साथ कट जाती हो। तो आपने कहा कि मान लिया 30 रुपए है। क्या है? 30 रुपए है। तो मान लिया आपका टोटल खर्चा 30 रुपए है। पहले केस में भी आपका रेट था 5 रुपए प्रति किलोग्राम चीनी, तो भी आप 30 रुपए खर्च कर जा रहे थे जी। अब आपका रेट बढ़कर हुआ कितना? 6 रुपए प्रति किलोग्राम, तो अब भी आप कितना खर्च कर जा रहे जी? 30 ही रुपए खर्च कर जा रहे। तो बताओ क्या टोटल खर्च में कोई इंक्रीजमेंट है या डिक्रीजमेंट है? तो आप कहोगे कि कोई इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट नहीं है। अगर कोई भी इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपका खर्च क्या है? स्थिर है। क्या है जी? आपका खर्च स्थिर है। अब बच्चे एक बात बताइए, अगर 5 रुपए प्रति किलोग्राम का रेट है और आप 300 रुपए खर्च कर जा रहे हो, तो इसका मतलब आपकी खपत कितनी होगी? तो आप कहोगे कि 6 किलोग्राम की खपत होगी। कितने किलोग्राम की खपत होगी? 6 किलोग्राम की खपत होगी। और अगर नया रेट आपका 6 रुपए प्रति किलोग्राम है, कि 6 रुपए प्रति किलोग्राम आपका नया रेट है, तो इसका मतलब है कि अगर 6 रुपए के हिसाब से 30 रुपए का सामान लिया, तो मैं कितने किलोग्राम ले पाऊंगा जी? तो आप कहोगे कि 5 किलोग्राम ले पाओगे। कितने किलोग्राम ले पाओगे जी? 5 किलोग्राम ले पाओगे। यानी कि जब मेरा रेट कम था तो मैं 6 किलोग्राम ले पाया, और जब मेरा रेट ज्यादा हुआ तो मैं केवल 5 किलोग्राम ही ले पाया। तो यार कितने किलोग्राम की कमी हुई? तो आप कहोगे कि खपत पहले 5 किलोग्राम की थी, खपत पहले 6 किलोग्राम की थी, आज 5 किलोग्राम की है, तो कितने की कमी हुई? तो आप कहोगे 1 किलोग्राम की कमी हुई। और किस पे कमी हुई जी? 6 किलोग्राम पे कमी हुई। तो 6/6 और गुणा कितना? 100। तो आपका रिजल्ट होगा 16/2/3% की क्या होगी? आपकी कमी होगी। क्या होगी? इतने परसेंट की कमी होगी। किसमें जी? खपत में। तो खपत में कमी कितनी है? 16/2/3% की आपकी खपत में क्या है सब? कमी है। कब कमी है? जब आपकी कीमत चीनी की कितने परसेंट इंक्रीज हुई? बढ़ी आपकी कीमत कितने परसेंट? 20% इंक्रीज हुई। तो खपत कितने परसेंट में कमी हुई जी आपकी? तो आप कहोगे 16/2/3% में घट गई जी। 16/2/3% क्या हुई? डिक्रीज हुई। तो उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आया होगा। अब मैं आपको एक तरीके से सवाल को और समझाता हूं। देखिए, हम इसका दूसरा तरीका देखते हैं कि दूसरा तरीका है क्या इसका। देखिए, अब समझो, अगर मैं आपको कहा कि जो प्राइस है, यानी कि जो कीमत है वो पहले कितनी थी, आज कितनी है, यानी कि प्रेजेंट में कितनी है, आज कितनी है प्रेजेंट में, तो इस पे थोड़ा क्वेश्चन करते हैं। आपने कहा जी चीनी का मूल्य 20% बढ़ जाता है, तो इसका मतलब 20% का मतलब 1/5 है। मतलब अगर चीनी की प्रारंभिक कीमत 5 थी, तो अब बढ़ के कितनी बढ़ी? कितनी? 1। तो नई कीमत क्या होगी? 6। यानी कि अगर चीनी की पहली कीमत क्या थी? 5 रुपए प्रति किलोग्राम थी। क्या थी? 5 रुपए प्रति किलोग्राम। लेट कर लिया कि 5 रुपए प्रति किलोग्राम है, आप मान सकते हैं कि 5 यूनिट प्रति किलोग्राम था। तो आज कीमत कितनी होगी? तो आप कहोगे कि 5 शुरुआत में थी, 1 की इंक्रीज हुई, तो कितना? 6 रुपए प्रति किलोग्राम। कितना जी? 6 रुपए प्रति किलोग्राम थी। कितनी थी? 6 रुपए प्रति किलोग्राम आज की कीमत है आपकी चीनी की। अब अगर खपत की बात करूं, कि अगर मैं खपत की बात करूं, तो खपत जो होगी वो चीनी की क्या होगी, कीमत की क्या होगी? उल्टी होगी जी। क्या होगी जी? खपत, जो खपत होगी आपकी, वो कीमत की क्या होगी? रेसिप्रोकल होगी, बिल्कुल उल्टी होगी। क्योंकि जितनी कीमत बढ़ेगी उतनी ही खपत क्या होगी? कम होगी। अगर आपको खर्चा क्या रखना? स्थिर रखना। अगर स्थिर खर्चा रखना, तभी आपकी कीमत क्या होगी? कीमत का उल्टा क्या होगा? खपत का उल्टा होगा। मतलब कि कीमत क्या होगी? खपत की उल्टी होगी, और खपत क्या होगी? कीमत की उल्टी होगी। ठीक है साहब, तो चलते हैं। तो बताओ यार, कीमत अगर 5 रुपए से बढ़कर 6 हुई, तो खपत क्या हुई होगी? तो आप कहोगे कि 6 किलोग्राम से, यानी कि 6 से घटके कितनी हुई होगी?
पास हुई होगी, यानी कि आपने उल्टा लिख दिया 6 और कितना 5। अब मेरी बात ध्यान से समझो बच्चे, मान लिया मैं कहा कि यहां खपत 6 किलोग्राम की है, तो आपका रेट क्या था 5, तो 6 × 5 = 30, क्या 30 रुपए की खर्चा हुआ टोटल। अब आपने कहा कि यहां 5 किलोग्राम आपने सामान लिया और उसका रेट कितना है 6 रुपए प्रति किलोग्राम है, तो क्या यहां भी खर्चा 30 ही रुपए का है, तो आप कहोगे 30 ही रुपए का है। तो इसका मतलब खर्चा अगर 30 रुपए का है, तो इसका मतलब हुआ कि जो आपका कंजप्शन है यानी कि जो आपका टोटल खर्चा है वो क्या है, स्थिर है। अगर खर्चा स्थिर है तो आपकी कीमत के रेशो का उल्टा रेशो क्या होगा, जो कीमत का रेशो है आपका उसका उल्टा रेशो क्या होगा, तो आप कहोगे खपत का रेशो होगा। अब बच्चे अगर मेरी खपत पहले 6 किलोग्राम थी तो आज कितने किलोग्राम है, तो आपने कहा 5 किलोग्राम है, और आपसे पूछा गया कि अगर कमी हुई तो कितने परसेंट की हुई, तो आप कहोगे 1 यूनिट की कमी हुई या 1 किलोग्राम की कमी हुई, किसमें जी 6 किलोग्राम में, और परसेंटेज के लिए आपने 100 से मल्टीप्लाई, तो कितना 16 सही 2/3%, तो कितने परसेंट की कमी हुई जी आपकी 16 सही 2/3% की कमी हुई। कितने परसेंट की कमी हुई साहब, 16 सही 2/3% की कमी हुई। ठीक है साहब, तो उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, यह इसका एक तरीका और समझते हैं। देखिए आपने कहा जी कि 20% है, कि 20% है, 20% की क्या हुई जी, वृद्धि हुई, क्या हुई, वृद्धि हुई, तो 20% का मतलब कितना होगा 1/5 होगा, कितना होगा जी 1/5 होगा। अगर खर्च स्थिर है तो और वृद्धि है, तो वृद्धि का मतलब है कि 5 पे 1 की वृद्धि है, तो आप इस 1 को ही हर में जोड़ दो, इस 1 को ही क्या करो हर में जोड़ दो, तो कितना 1/6 और इंटू 100, तो इसका मतलब होगा 16 सही 2/3%। तो यही आपका आंसर होगा कि खपत में कितने परसेंट की कमी होगी, तो आपका आंसर होगा 16 सही 2/3% की कमी होगी। किस तरीके से जानता समझो, अगर वृद्धि 20% की हुई तो 20% का मतलब 1/5 है, अगर वृद्धि हुई तो जो ऊपर का रिजल्ट है उसे नीचे ले जाके क्या करें जी आप, डिनोमिनेटर में ले जाके क्या कर दे, जोड़ दे, और अगर कमी हुई तो क्या कर दे, घटा दे, और उसके बाद परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करी, तो जो रिजल्ट होगा वो ही खपत में कमी या वृद्धि होगी। तो यहां कमी कितने परसेंट की हुई, तो आप कहोगे कि कमी हुई कितने परसेंट की, 16 सही 2/3% की। कितने परसेंट की जी, 16 सही 2/3% की क्या है यहां खपत में कमी होगी, तो आपका खर्चा क्या होगा, स्थिर होगा। तो उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन और आपके सामने है, आप इसको ट्राई कीजिए, कि आप इसको ट्राई कीजिए। चीनी का मूल्य 30% बढ़ता है तो चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे कुल खर्च स्थिर रहे। क्वेश्चन नंबर 2 है भैया आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, तो अब आप ध्यान से समझिए क्या है। देखो मैं आपको पहला क्वेश्चन जो समझाया उसमें मैं आपको तीन मेथड बताई कि किस तरीके से आप इसे सोल्व आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे और ज्यादा आसान तरीके से सोल्व आउट करना चाह रहे, यानी कि एक जर्नल वे में सोल्व आउट करना चाह रहे, तो आप इसे और भी अच्छे तरीके से सोल्व आउट कर सकते हैं। किस तरीके से, तो आप देखिए भाई, आप आराम से जहां भी हैं हाँ या ना जरूर बोलो। चीनी का मूल्य 30% बढ़ता है यार, कितने परसेंट बढ़ता है, 30% बढ़ता है। मान लिया यार चीनी का जो भी मेरा खर्चा था वो 100 रुपए था, और 100 रुपए के बाद आपका जो रेट हुआ वो कितना हुआ, 130 रुपए हो गया। कितने परसेंट बढ़ गया जी आपका, तो आप कहोगे कि जो कीमत बढ़ी ना वो कीमत कितनी बढ़ी, 30% इंक्रीज हुई। कितने परसेंट इंक्रीज हुई जी, 30% इंक्रीज हुई। आप समझो इस तरीके से समझो, मान लिया जाए भाई आपकी मम्मी ने आपको पैसे दिए और बाजार भेज दिया, और ये हर महीने की का काम है कि आपको 100 रुपए दिए गए और कहा कि चीनी लेके आओ, और हर बार 100 रुपए में 5 किलोग्राम आप चीनी लेके आ रही थी। कितने किलोग्राम, 100 रुपए में आप 5 किलोग्राम चीनी लेके आए। आप नेक्स्ट टाइम जब गए तो आपने 100 रुपए दिए और कहा कि जी चीनी कर दो। अगर आपने कहा कि 100 रुपए लेके गए तो आपका एक्सपेक्टेशन क्या होगा कि भाई 5 किलो चीनी होगी, लेकिन दुकानदार ने क्या कहा कि अब की बार जी 100 रुपए में 5 किलो चीनी नहीं होगी क्योंकि चीनी के दाम इंक्रीज हो गए, तो क्या वो आपको पहले जितनी खपत कराओगा, यानी कि पहले जितनी आपको वेट देगा, तो बिल्कुल नहीं देगा जी, आपको वेट कम कर देगा, आपको वेट कम कर देगा। जितना पैसा आपके पास कम है इतना ही वेट वो कम कर देगा जी आपका। और अब आपने कहा कि भाई
₹100 ही है मेरे पास, तो आप ₹100 का सामान दो, तो इसका मतलब आपका खर्चा पहले भी ₹100 का था, आज भी ₹100 का है, तो वो क्या करेगा कि जहां कीमत आपकी ₹100 की थी पहले, आज अगर वो ₹130 का है सामान उतना, तो आप क्या करोगे, ₹30 का सामान दुकानदार रख लेगा और आपको उसमें से केवल ₹30 का सामान देगा, यानी कि जितना सामान ₹30 का होगा उतना ही सामान आपको कम देगा। यार समझ में आई ना बात, किस तरीके से समझो, मान लीजिए कि कुछ चीनी पहले ₹100 की थी, आज उतनी ही चीनी ₹130 की है, आज उतनी ही चीनी ₹130 की है, और आपने कहा कि मैं खर्च नहीं बढ़ाना चाह रहा, खर्च को स्थिर रखना चाह रहा, तो इसका मतलब आप पहले कितना ही खर्चा करना चाह रहे, यानी कि आप पहले ₹100 का खर्च करते थे और चीनी ले आते थे, आज ₹130 खर्च करने होंगे उतने ही सामान को लेने के लिए, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपने कहा कि भाई दाम ₹100 से बढ़ के ₹130 हो गए, लेकिन मैं ₹130 देने वाला नहीं हूं, मैं तो केवल ₹100 खर्च करूंगा, यानी कि मेरा खर्चा पहले भी ₹100 था, आज भी ₹100, तो क्या करेगा जी दुकानदार, तो दुकानदार आपको क्या देगा, ₹30 का कम सामान देगा, क्या देगा, ₹30 का कम सामान देगा, -30 का मतलब है कि सामान ₹30 का कम है, किससे कम देगा, ₹130 में तो सारा का टोटल कीमत आ जाती है, जिसकी कुल खर्चा खपत आ जाती है, ₹30 का कम देगा, किससे, ₹130 में से ₹30 का सामान आपको कम देगा साहब, कितना कम देगा, ₹130 में से आपको ₹30 का सामान कम देगा, क्योंकि सामान की कीमत 130 हो चुकी और आप कह रहे कि पहले वाले ही खर्च करूंगा ₹100, तो इसका मतलब ₹130 की जगह आपने ₹100 का सामान लिया, तो ₹130 से ₹30 कम का सामान आपने लिया जी, ठीक है जी। तो अगर मैं इसके परसेंटेज की बात करूं तो परसेंटेज का मतलब होगा कि आप कितने से गुणा कर दो, 100 से, तो कितना आ गया जी आपका 300/13, 13 × 26 कितने बच गए जी आपके पास, 4, 13 × 39 और कितना 1/13, तो इसने परसेंट की माइनस है जी, अगर माइनस है तो क्या हुआ, माइनस, और माइनस किस बात को रिप्रेजेंट करेगा कि इतने परसेंट की खपत में कमी हुई जी, कितने परसेंट की कमी हुई जी खपत में, तो आप कहोगे कि माइनस के 23 सही 1/13%, यानी कि कमी हुई 23 सही 1/13% की, तो आपका आंसर है कि कमी कितने परसेंट की होगी, तो कमी होगी 23 सही 1/13% की आपकी क्या होगी साहब, कमी होगी, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आया होगा, ठीक है। और जो बच्चे नए हैं, मतलब कि जिन्होंने पहली वीडियोस नहीं देखी हैं परसेंटेज की, आप एक बार उन वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि जो बेस है आपका वो शुरू की वीडियो से ही तैयार होगा, क्योंकि शुरू में मैं बेसिक से स्टार्ट करके हर एक टॉपिक को डीपली पढ़ाया है, तो आप उन वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन क्या है, चीनी का मूल्य 20% घटता है तो चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाए जिससे कुल खर्च स्थिर रहे। यानी कि इस क्वेश्चन में भी आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, वो क्या है, फिक्स है, स्थिर है। तो सवाल किस तरीके से है, चीनी का मूल्य 20% घटता है, यानी कि अगर जिस चीनी को आप पहले ₹100 में खरीद पा रहे थे, आज उसकी कीमत 20% घट गई, यानी कि आज उतनी ही चीनी की कीमत कितनी है, 80 है, कितनी है, जितनी कीमत चीनी की कीमत पहले ₹100 थी, आज उतनी ही चीनी की कीमत कितनी है, ₹80 है, क्योंकि आपका मूल्य कितना घट गया जी, 20% आपकी कीमत घट गई, यार घट गई जी। अब आपने कहा चीनी की खपत में कितने परसेंट की बढ़ोतरी की जाए जिससे कि कुल खर्चा स्थिर रहे, कि टोटल खर्चा क्या हो जी, स्थिर रहे। अब मेरी बात ध्यान से समझो, आप पहले यार ₹100 खर्च करते थे और कुछ चीनी लेके आए, आज उतनी ही चीनी ₹80 की है, आज उतनी ही चीनी ₹80 की है, और आप खर्च स्थिर रख रहे, यानी कि खर्च आप दोबारा भी ₹100 करना चाह रहे, यानी कि पहले ₹100 की कुछ चीनी थी जी, आज ₹80 में इतनी ही चीनी आई, लेकिन आप खर्च स्थिर रखना चाह रहे, यानी कि पहले ₹100 का खर्च था तो आज भी ₹100 खर्च करना चाह रहे, तो क्या आप कहोगे कि भाई ₹80 में मैं पहले जितनी चीनी तो खरीद चुका, अब ₹20 की और एक्स्ट्रा चीनी होगी, बताओ जी, ₹80 में पहले जितनी चीनी तो आ गई, लेकिन आप खर्च कह रहे हैं कि मैं पहले कितना ही खर्च करूंगा, ₹100 खर्च करूंगा, तो आप क्या कहोगे कि ₹80 से एक्स्ट्रा ₹20 का और ज्यादा सामान आपको मिलेगा, तो इसका मतलब है कि खपत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो ₹20 की चीनी आपको ज्यादा दी जाएगी, कितनी एक्स्ट्रा चीनी मिलेगी जी आपको, तो आप कहोगे कि पहले जितनी चीनी तो ₹80 में आ ही गई,
और मैं खर्चा करूंगा 100 ही रुपए का, तो इसका मतलब अगर 100 ही रुपए का खर्चा करूंगा और पहले जितनी 80 में आ चुकी तो 20 रुपए का ही सामान मुझे ज्यादा मिलेगा, यानी कि चीनी अधिक मिलेगी। किससे 20 रुपए अधिक? 80 रुपए के सामान से 20 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो इसका मतलब बटे 80 हो गया, और कैंसिल आउट करूं तो गुणा 100, 2 से 4 बार कैंसिल आउट और 4 से कितनी बार? 25 बार। यानी कि कितने की वृद्धि होगी जी आपकी खपत में? तो चीनी की खपत में जो बढ़ोतरी होगी वो बढ़ोतरी कितनी होगी? तो आपका आंसर होगा 25% की बढ़ोतरी होगी। कितने परसेंट की बढ़ोतरी होगी जी? 25% की बढ़ोतरी होगी। कब होगी? जब आपके चीनी के दाम कम होंगे और आप उतने ही पैसे की चीनी खरीदना चाह रहे जितने की पहले, यानी कि 100 रुपए का पहले सामान था, आज उतना ही सामान 80 का है, और आप खरीदना 100 का ही चाह रहे, तो क्या आपको 20 रुपए का एक्स्ट्रा सामान दिया जाएगा? तो जो 20 रुपए का एक्स्ट्रा सामान है चीनी है, वही तो खपत में बढ़ोतरी है। तो 80 20 बटे 80 गुणा 100, तो कितना होगा जी? 25% आपका आंसर है। तो उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आया होगा, और आप वीडियो को अंत तक जरूर देखा करो, क्योंकि अगर आप मतलब कि अंत तक नहीं देखोगे तो आप समझ नहीं पाओगे कि कंसेप्ट है क्या, ठीक है। और जो भी बच्चे हैं लगभग सभी बच्चे 8:15 बजे जो वीडियो आती है मेरी उसको पे लाइव रहो, और कमेंट की जरूर क्या करो, क्योंकि आप कमेंट नहीं करते कि कमेंट नहीं करते आप, तो कमेंट जरूर करा करो, ठीक है जी, कि कमेंट अवश्य जरूर करें आप। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मेरे प्यारे बच्चे, आपके सामने एक और क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं, तो चलिए भाई, क्वेश्चन क्या है? चीनी का मूल्य 30% घटता है, तो चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाए जिससे कुल खर्च में 10% की कमी हो? यानी कि जो पहले तीन क्वेश्चन आपने किए उसमें खर्च क्या था यार? तो खर्च स्थिर था, यानी कि जो खर्च आप वो पहले कर रहा था क्वेश्चन, उतना ही खर्च बाद की कंडीशन में भी कर जा रहा था। लेकिन अब क्या है? अब स्थिति यह है कि अगर आपका जो टोटल खर्च है वो जब आपकी कीमत कम हुई तो उसने अपना टोटल खर्च कितना कम कर दिया जी? 10% यार कम कर दिया, ठीक है। समझो किस तरीके से, मान लिया कि मैं चीनी के दाम 100 रुपए थी, यानी कि मैं चीनी पे टोटल खर्च कर रहा था 100 रुपए, ठीक है जी। मैं चीनी का मान लो एक कट्टा था, एक बोरा था, तो चीनी के एक बोरे की कीमत 100 रुपए थी आपने ऐसा मान लिया। अब दाम घट गए कितने परसेंट? 30% घट गए, तो आज वो चीनी का बोरा कितने रुपए का होगा जी? तो आप कहोगे कि आज वो चीनी का बोरा कितने रुपए का होगा? 70 रुपए का होगा। कितने रुपए का होगा? 70 रुपए का होगा। और एक लड़का पहले 100 रुपए में एक बोरा लेकर आया था जी, आज मार्केट में गया तो 70 रुपए का ही एक बोरा ले आया। अब जब वो बोरा 70 रुपए का लेकर आया तो उसने सोचा कि भाई आज दाम कीमत है तो क्यों ना मैं कुछ ज्यादा सामान ले लूं। तो उसने क्या करा भाई, उसने कुछ ज्यादा सामान लेने की बात करी, लेकिन उसने कहा कि वो अपने टोटल खर्च में भी 10% की कमी करता है। तो यानी कि यार अगर एक बोरा 100 रुपए का था और उसने आज बोरा 70 का ही ले लिया और अपने खर्च को 10% कम करना चाह रहा, यानी कि उसका खर्चा 100 रुपए था, अगर 10% कम करेगा तो इसका मतलब वो आज कितना खर्च करना चाह रहा जी? आप तो आप कहोगे कि आज वो 10% कम खर्च करेगा कीमत कम होने के बाद, तो खर्चा कितना होगा? 90 रुपए का होगा। कितना होगा जी? 90 रुपए का होगा, ठीक है। अब बताओ जी, अगर मैं कहूं कि जितना एक बोरा पहले 100 रुपए का था आज उतना ही बोरा 70 रुपए का है, लेकिन लड़का 100 रुपए की जगह 10% कम खर्चा कर रहा है, यानी कि लड़का तो सामान 90 रुपए का ले रहा, यानी कि 70 रुपए में एक बोरा तो आ ही जाएगा, और आपने पैसे दिए उसे कितने? 90 रुपए। तो इसका मतलब दुकानदार आपको 20 रुपए का और एक्स्ट्रा चीनी देगा, हाँ ना? अगर वो 20 रुपए की एक्स्ट्रा चीनी देगा तो यही आपकी ज्यादा खपत होगी। कितनी खपत होगी? 20 रुपए की ज्यादा खपत होगी। किससे 20 रुपए की ज्यादा खपत होगी? 70 रुपए के सामान से 20 रुपए की और ज्यादा खपत होगी, यानी कि 20 रुपए के सामान की और ज्यादा खपत होगी, और 100 से मल्टीप्लाई तो कितना जी? तो आप कहोगे भाई कितना? तो 200 बटे कितना? 7, 7 × 14 कितने बच गए जी आपके? 6, 7 × 8 56 और 4/7%, यानी कि 28 सही 4/7% की क्या होगी आपकी यार? खपत में वृद्धि होगी। क्या होगी? खपत में वृद्धि होगी। तो उम्मीद है कि यह सवाल आपके समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन आपके सामने है, आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है,
कितने किलोग्राम खपत कम होनी चाहिए जिससे कुल व्यय 5% बढ़े जबकि वास्तविक खपत 280 किलोग्राम चीनी है। सवाल समझो क्या है भाई, यानी कि मान लिया एक परिवार है, उस परिवार की टोटल जो खपत है वो शुरुआती खपत यानी कि 280 किलोग्राम है। क्या है? 280 किलोग्राम है। लेकिन यदि चीनी के दाम 20% बढ़ गए, चीनी के दाम 20% बढ़ गए आपके, तो कह रहा ऐसा होने के बाद आप अगर अपने खर्च को स्थिर रखेंगे, खर्च को स्थिर नहीं, 5% ही बढ़ाओगे, अगर खर्च को केवल 5% ही बढ़ाओगे तो आपको अपनी खपत कितने किलोग्राम कम करनी होगी, आपके सामने क्वेश्चन ये है। तो समझिए क्वेश्चन को, ध्यान से समझिए। आपने कहा जी कि चीनी का मूल्य क्या है साहब, 20% बढ़ता है, मतलब कि मान लिया आपने पहले चीनी का कीमत क्या थी, 100 थी, आप पहले 100 रुपए का खर्च करते थे चीनी पे, तो आज आपको उतनी ही चीनी खरीदने के लिए कितने रुपए इन्वेस्ट करने होंगे, तो आप कहोगे 20% बढ़ाना होगा जी, यानी कि 120 रुपए। कितने रुपए? 120 रुपए। जो सामान पहले 100 रुपए का था आज 20% उसका रेट हुआ, तो आज उतनी ही किलोग्राम चीनी की कीमत कितनी है, 120 रुपए है। लेकिन सवाल ने कहा जी कि ऐसा करके वो खर्च को 5% भी बढ़ाता है, यानी कि हुआ क्या कि भाई दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए, लेकिन किसी व्यक्ति ने कहा कि जी मैं ज्यादा तो नहीं बढ़ा सकता, लेकिन मैं अपने दाम कितने, खर्चा कितना बढ़ा सकूं, केवल 5% बढ़ा सकूं, यानी कि 100 की जगह कीमत तो होगी 120 रुपए और अब वो 5% अपना खर्च बढ़ा हुआ, तो इसका मतलब वो केवल 100 रुपए से कितने रुपए खर्च कर सके जी, 5% ज्यादा, यानी कि 105 रुपए का खर्चा कर सके जी। दाम बढ़ के कितने हुए, 20 रुपए बढ़े 100 पे, यानी कि 120 रुपए हो गए। लेकिन लड़के ने कहा कि मेरा मैं अफोर्ड नहीं कर सकता जी इतना बढ़ा बढ़ी हुई कीमत, मैं अपना खर्चा केवल 5% इंक्रीज कर सकूं, कि यानी कि जब मैं सामान 100 रुपए का लेकर आऊंगा तो आज मैं केवल 105 रुपए का ही सामान लेकर आऊंगा। तो इसका मतलब है कि जब आज 100 रुपए के जो सामान 100 रुपए का था आज 120 का है, आज 120 का है, लेकिन आपने 100 रुपए की जगह केवल 105 रुपए खर्च करे, तो इसका मतलब 120 रुपए के सामान को खरीदने के लिए आपने दुकानदार को कितने रुपए दिए होंगे, 105 रुपए दिए, तो क्या दुकानदार आपको 15 रुपए का सामान कम देगा, बिल्कुल देगा जी। तो इसका मतलब है आपको कितने रुपए का सामान कम दिया, तो आपने कहा कि 15 रुपए का सामान कम दिया। कितने रुपए का सामान कम दिया जी, 15 रुपए का, किससे जी, 120 से, तो बटे 120 हो गया साहब। अब मेरी बात ध्यान से समझिए भाई, आप इसे कई तरीके से यहां से सोल्व आउट कर सकते हैं या समझ सकते हैं। क्या है पहला तरीका? तो ये होगा कि भाई मैं अगर ये बात कहूं कि भाई 120 रुपए के सामान में से 15 रुपए का सामान कम दिया, माइनस का मतलब कम दिया, तो 15 × 8 = 120, यानी कि मैं ये बात कह सकूं कि जी आपको अगर आपके पास शुरुआत में 8 यूनिट सामान था तो आपको कितने यूनिट सामान कम दिया होगा, तो आप कहोगे 1 यूनिट सामान कम दिया होगा जी। भाई 120 रुपए के सामान में से 15 रुपए का सामान कम दिया, मतलब कि 8 यूनिट सामान में से 1 यूनिट सामान आपको कम दिया यार। मान लिया 8 यूनिट आपके पास सामान था तो कितना कम हुआ आपके पास सामान, 1 यूनिट कम हुआ जी आपके पास सामान। अब बताओ कि अगर मेरे पास 8 यूनिट शुरुआत में सामान था तो शुरुआत में खपत कितनी है, 280 किलोग्राम, यानी कि शुरुआती खपत मेरी 280 किलोग्राम है, और मेरे अनुसार कितना है, तो मेरे अनुसार है 8 यूनिट, तो इसका मतलब है कि 8 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 280 किलोग्राम होगी जी, क्योंकि शुरुआती खपत अगर मेरे पास 8 यूनिट थी तो 1 की कमी होगी जी उसके अंदर, 8 यूनिट का मान 280, तो बताओ 1 यूनिट का मान कितना होगा, तो आप कहोगे कि जो 1 यूनिट का मान होगा वो होगा 280 किलोग्राम को भाग दे दो जी आप, डिवाइड कर दो कितने से, 8 से, 8 × 24, 8 × 5 = 40, तो कितने किलोग्राम की, तो आप कहोगे 1 यूनिट का मतलब होगा 35 किलोग्राम, और कमी कितने की है, तो आपके सामने कमी जो है, जो आपके सामने कमी है वो कमी कितने की है, तो आप कहोगे 1 यूनिट की कमी है, और 1 यूनिट का मतलब कितना है, 35 किलोग्राम है, तो इसका मतलब आपका आंसर होगा कि कमी कितने किलोग्राम की होगी, 35 किलोग्राम की होगी। कितने किलोग्राम की होगी जी कमी, 35 किलोग्राम की होगी। या आप ऐसा भी सवाल कह सकता था कि भाई आप नई खपत बताओ, तो भाई 280 में से 35 घटा दो तो नई खपत आ जाएगी कि कितनी खपत है, यानी कि खपत जब कम हुई तो कितने किलोग्राम से कम हुई, 35 किलोग्राम से आपकी खपत क्या हुई, कम हुई जी। तो उम्मीद है कि सवाल आपकी समझ में आया होगा, ठीक है बच्चे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन आपके सामने है। चीनी का मूल्य 30% बढ़ जाता है जिससे परिवार 40 किलोग्राम चीनी उपयोग कम चीनी उपयोग करता है तथा कुल खर्च 10% बढ़ जाता है, तो वास्तविक खपत बताओ क्या है। यानी कि क्वेश्चन है क्या, कि क्वेश्चन है क्या, इस चीज को समझिए।
क्वेश्चन ने कहा कि अगर चीनी के दाम 30% इंक्रीज हुए, यानी कि जितना सामान वो जितने किलोग्राम चीनी पहले ले जा रहा था जी, आज उतने ही किलोग्राम चीनी के लिए रेट कितना एक्स्ट्रा देना पड़ रहा, 30% एक्स्ट्रा देना पड़ रहा। मान लिया आप पहले जितनी भी चीनी लेके गए वो 100 रुपए के हिसाब से लेके गए, कि मान लिया भाई मैं एक बोरा चीनी लेके गया या मैं 5 किलोग्राम चीनी लेके गया, वो मैं 100 रुपए की लेके गया। आज उतनी ही चीनी कितने रेट में होगी, 30% एक्स्ट्रा रेट के साथ होगी, यानी कि आज आपकी चीनी कितने रुपए में होगी, 130 रुपए में होगी। कितने रुपए में होगी जी, 130 रुपए में होगी। यानी कि जितनी चीनी पहले 100 रुपए में थी, आज उतनी ही चीनी कितने रुपए में है, 130 रुपए में। यानी कि पहले उसका खर्चा 100 रुपए था, आज उसका खर्चा कितना है, 130 रुपए का है। तो सवाल ने कहा कि भाई जब दाम बढ़ गए तो एक परिवार ने क्या करा, अपने जो खर्च है उस खर्च को थोड़ा इस मतलब कि कम करने के लिए 40 किलोग्राम चीनी कम लेना शुरू कर दिया। लेकिन 40 किलोग्राम चीनी कम लेते लेते भी उसका खर्चा 10% इंक्रीज हो गया। कितने परसेंट इंक्रीज हो गया, 10% इंक्रीज हो गया। तो कह रहा जी कि वास्तविक खपत बताओ, वास्तविक खपत का मतलब है शुरुआती खपत क्या थी, जब तक रेट नहीं इंक्रीज हुए थे या डिक्रीज नहीं हुए थे तब आपकी खपत क्या थी। तो आपको वास्तविक खपत का मतलब है शुरुआती खपत क्या थी। समझिए, आपने पहले जितनी चीनी आपने शुरुआत में ली, मान लिया एक बोरा चीनी ली, तो उस एक बोरा चीनी के लिए आपने साहब 100 रुपए खर्च कर दिए, तो शुरुआती खर्च कितना था आपका, 100 रुपए था। नया खर्च 30% इंक्रीज हुआ, तो इसका मतलब दाम 30% इंक्रीज हुए, तो आज वो खर्चा कितना होगा, 130 होगा। लेकिन यार आज खर्चा 130 है, लेकिन सवाल ने कहा कि भाई वे खर्चा 130 रुपए का नहीं कर पाए, इस कारण से 40 रुपए कम कर लिए। कितने रुपए कम कर लिए, 40 रुपए कम, वो 40 किलोग्राम कम खर्चा किया जी उन्होंने, 40 किलोग्राम कम उपयोग कर लिया उन्होंने चीनी, और इसके कारण केवल 10% ही बढ़ेगा जी खर्च। तो इसका मतलब है कि अगर खर्च 100 रुपए था शुरुआत और खर्च करना था 130 रुपए, तो उन्होंने क्या कर दिया, कुछ खपत कम कर दी अपनी, और ऐसा करके केवल खर्च अपना 10% ही बढ़ाया। तो इसका मतलब 100 रुपए खर्च करते थे, उन्होंने अपना खर्च कितना बढ़ाया, केवल 10%, तो केवल 110 रुपए का ही खर्चा करेंगे जी आज, है ना, बोलो जी करेंगे 110 रुपए का ही खर्चा, का ही खर्चा। यानी कि अब मैं ये बात कह सकूं कि भाई जितना सामान पहले 130 रुपए का था, वो अब क्या करें, उस सामान में से केवल 110 रुपए का सामान ले रहे, यानी कि 130 रुपए के सामान में से केवल कितने रुपए का सामान लिया जी, 110 रुपए का सामान लिया। तो कितना कम सामान लिया, तो आपने कहा कि 20 रुपए का सामान कम लिया। कितने रुपए का सामान कम लिया, 20 रुपए का सामान कम लिया, कितने में से लिया जी, 130 में से लिया। तो इसका मतलब मैं ये बात कह सकूं जी कि इसका मतलब होगा 2/13, और माइनस का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास शुरुआत में टोटल खपत 13 यूनिट थी, तो दाम बढ़ने के कारण आपने 2 यूनिट की खपत कम कर दी। यार कितने यूनिट की खपत कम कर दी, 2 यूनिट की खपत कम कर दी। आप ऐसा समझो, मान लिया शुरुआत में मेरे पास 13 बोरे थे, तो दाम बढ़ जाने के कारण आपने कितने बोरे कम कर दिए, 2 बोरे कम कर दिए। कितने बोरे कम कर दिए, 2 बोरे कम कर दिए। लेकिन सवाल कह रहा है कि परिवार तो 40 किलोग्राम कम चीनी का उपयोग करे, ऐसा करके यानी कि मेरे अनुसार 2 बोरे कम करेगा और सवाल के अनुसार 40 किलोग्राम कम करेगा, तो इसका मतलब मेरे अनुसार 2 बोरों की कीमत यानी कि 2 यूनिट की कीमत कितनी होगी, 40 किलोग्राम होगी। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, तो आप कहोगे 1 यूनिट का मान होगा 20 किलोग्राम। 1 यूनिट का मान कितना होगा जी, 20 किलोग्राम होगा। आप कह रहे हैं कि वास्तविक खपत बताओ, तो वास्तविक खपत क्या होगी साहब, 13 यूनिट। तो आपका आंसर होगा 13 यूनिट। 13 यूनिट का मतलब होगा कि 13, और यूनिट का मतलब है कि 1 यूनिट का मान 20 किलो। तो कितना आंसर हो गया जी आपका, 260 किलोग्राम आप खर्च करो थे शुरुआत में, यानी कि आपकी शुरुआती खपत क्या थी, 260 किलोग्राम थी। अब क्या हुआ, दाम बढ़ गए 30%, लेकिन खर्चा 10% बढ़ाया, तो इस कारण से परिवार ने 40 किलोग्राम क्या कर दिया, कम कर दिया। तो नई खपत क्या होगी, तो 260 में से आप माइनस कर दो 40 किलो, क्योंकि कम लिया 40 किलो, तो खर्चा कितना होगा नया, तो 220 होगा। लेकिन आपसे पूछा क्या है, वास्तविक खपत, तो आपका आंसर होगा 260 किलोग्राम। कितना होगा जी, 260 किलोग्राम। तो उम्मीद है कि सवाल आपके समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों, आपके सामने एक और क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में आपको ये चार के चार क्वेश्चन निकाल के देने हैं, कि ये चार के चार क्वेश्चन सॉल्व आउट करने हैं। क्या है सवाल, चीनी के दाम 20% बढ़ते हैं, जिससे परिवार 300 रुपए में 12 किलोग्राम कम चीनी खरीदता है, तो ज्ञात कीजिए वास्तविक खपत उसकी, वर्तमान खपत यानी कि नई खपत,
वास्तविक मूल्य उसका यानी कि प्रति किलोग्राम पहले मूल्य क्या था और वर्तमान मूल्य यानी कि नया मूल्य क्या है प्रति किलोग्राम उसका। तो आपको चार के चार क्वेश्चन करने हैं। तो चलिए भाई करते हैं इस क्वेश्चन को, कि इस क्वेश्चन को करते हैं। तो समझिए चीनी के दाम कितने परसेंट बढ़े, 20%। यानी कि अगर मैं कहूं कि चीनी पहले 100 रुपए की थी तो आज उतनी ही चीनी के दाम कितने होंगे, 120 रुपए होंगे। कितने होंगे, 120 रुपए होंगे। जिससे परिवार 300 रुपए में 12 किलोग्राम कम चीनी खरीदता है, इस लाइन को समझना बहुत जरूरी है भाई। मैं आपको एक चीज मतलब कि थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं क्या है। यह सवाल कुछ इस तरीके से है कि चीनी का कोई रेट था और उस रेट के द्वारा एक व्यक्ति 300 रुपए में कुछ किलोग्राम चीनी खरीद कर लेके आया जी। नेक्स्ट टाइम वो लड़का गया तो उसको चीनी के दाम कितने बढ़े हुए मिले, 20% बढ़े हुए मिले। और वो लड़का तब भी 300 रुपए में ही चीनी खरीद के लेकर आया तो कितने किलोग्राम कम लेकर आया, 12 किलोग्राम कम लेकर आया। यानी कि उसने जब रेट शुरुआती थे तब भी 300 रुपए के ही चीनी ली, और जब आप उस आज उसका रेट 20% इंक्रीज हुआ तो आज भी उसने 300 रुपए की ही चीनी ली। यानी कि खर्चा दोनों बार स्थिर था, 300 ही था। ठीक है, अगर खर्चा दोनों बार स्थिर ही था तो इसका मतलब अगर रेट इंक्रीज होगा तो खपत क्या होगी, कम होगी। और कितने की कमी हुई साहब, 12 किलोग्राम की कमी हुई। कितने किलोग्राम की कमी हुई जी, 12 किलोग्राम की कमी हुई। तो समझिए सवाल क्या है। आइए मान लिया चीनी के दाम, मान लिया शुरुआत में चीनी 100 रुपए की थी, अब दाम बढ़ गए तो कितनी हुई, 120 की हुई। तो मेरे बच्चे जब उसने कहा कि जिससे परिवार 300 रुपए में 12 किलोग्राम कम खरीदता है, इसका मतलब क्या है कि पहले भी 300 रुपए में कुछ किलोग्राम खरीदता था लेकिन आज 300 रुपए में उससे 12 किलोग्राम कम खरीद लिया। तो इसका मतलब है कि क्या खर्चा पहले जितना ही किया 300 रुपए का, तो इसका सीधा सा मतलब था कि खर्च क्या है यार, स्थिर है। और अगर खर्च स्थिर है तो क्या मैं यह बात कह सकता हूं कि पहले अगर कीमत 100 यूनिट थी तो आज 120 यूनिट है, लेकिन लड़का क्या कर रहा जी, खर्च तो नहीं इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा। तो इसका मतलब है कि लड़के ने 120 रुपए के सामान में से केवल 100 ही रुपए का सामान लिया होगा, हाया ना। क्यों, क्योंकि उसका 300 रुपए में सामान खरीदेगा दोनों बार, तो 300 रुपए का मतलब है कि उसका खर्च क्या है, स्थिर है। तो बताओ जी, तो कितना सामान कम मिलेगा, तो आप कहोगे कि 20 रुपए का सामान कम मिलेगा उसे, किससे, 120 से। कितने से जी, 120 से। ठीक है, 20 से कैंसिल आउट कर दो तो कितना, 20 से का 120 यानी कि 1/6। यानी कि अगर इनिशियल 6 यूनिट थे सामान या चीनी 6 यूनिट थी तो कमी कितने की होगी उसके सामान में, तो आप कहोगे 1 यूनिट की होगी। कितने की होगी मेरे बच्चे, 1 यूनिट की कमी होगी। कितने की, 1 यूनिट की कमी होगी। अब सवाल ने कहा कि यार 1 यूनिट की नहीं, 12 किलोग्राम की कमी है, तो इसका मतलब है इस 1 यूनिट का मान कितना होगा, 12 किलोग्राम होगा। क्या होगा, 12 किलोग्राम होगा। 1 यूनिट का मान कितना होगा, 12 किलोग्राम। तो भाई 6 यूनिट का मान कितना होगा, तो आप कहोगे कि 12 × 6 तो कितना, 72 किलोग्राम होगा। कितने किलोग्राम होगा, 72 किलोग्राम होगा। यानी कि इनिशियल जो खपत है आपकी, यानी कि आप कह सकें कि जो वास्तविक खपत है वो 6 यूनिट थी और 6 यूनिट का मान कितना, 72 किलोग्राम। तो भाई मैं क्या कह सकूं कि आपकी वास्तविक खपत है कितनी, तो आप कहोगे 72 किलोग्राम है। कितने किलोग्राम है, 72 किलोग्राम है। बताओ जी यहां तक का आपको कोई इशू है क्या। मैं कहा कि अगर दाम 20% इंक्रीज हुई तो इसका मतलब अगर सामान पहले 100 रुपए का था तो आज कितने का होगा, 120 का। लेकिन लड़का हर बार 300 रुपए में सामान लिया, तो इस लाइन का मतलब है कि आपका खर्चा क्या है, स्थिर है। बच्चे तो स्थिर है, तो इसका मतलब 120 रुपए तो रेट हो गया, आप लोगे कितने का, केवल 100 का ही लोगे, पहले वाली कीमत का ही लोगे। तो 20 रुपए का सामान कम मिला, किससे, 120 रुपए से। 120 रुपए के सामान में से आपको 20 रुपए का सामान कम करके आपको दे दिया जाएगा। तो इसका मतलब 6 यूनिट में से 1 यूनिट सामान आपको दे दिया जाएगा। और कितने की कमी है, तो आप कहोगे 12 किलोग्राम की कमी है। 1 यूनिट का मान 12 किलोग्राम, तो 6 यूनिट का मान कितना, 72। तो वास्तविक खपत कितनी हुई बच्चे, 72 किलोग्राम। ठीक है, तो उम्मीद है कि इतना समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्या है, क्या वर्तमान खपत बताओ कि वर्तमान खपत है कितनी। वर्तमान का मतलब है कि जब कीमत बढ़ चुकी थी उसके बाद आपने खर्चा कितना किया, तो आप कहोगे जितना इनिशियल था उससे 12 किलोग्राम कम कर दिया। तो अगर 72 से 12 किलोग्राम कम करोगे तो कितना, 60 किलोग्राम। कितना जी, 60 किलोग्राम खर्च कर दिया, बोलो हाँ है ना। तो 60 किलोग्राम खर्च कर दिया। अब आपने कहा आप वास्तविक मूल्य निकाल लो, तो वास्तविक मूल्य क्या है, तो आप कहोगे भाई देखो अब यहां ध्यान से समझियो, अब यहां आपको एक्यूरेट डाटा का पता होना जरूरी है। किस तरीके से,
आपने कहा कि वास्तविक खपत 72 रुपये है, लेकिन 72 किलोग्राम, जो 72 किलोग्राम आपकी खपत है वो कितने रुपए की थी? तो आप कहोगे कि शुरुआत में 300 रुपये में 72 किलोग्राम लेके आता था, बाद में 300 रुपये में 60 किलोग्राम लेके आया, यानी कि दूसरी बार 300 रुपये में 12 किलोग्राम कम ली। तो मतलब क्या है कि आपने पहली बार तो 300 रुपये में कितना सामान लिया? तो आप कहोगे 72 किलो लिया। कितना लिया जी? 72 किलो। 300 रुपये में 72 किलो सामान लिया, तो 1 किलो का रेट क्या होगा? आपने 72 से डिवाइड कर दिया, तो 6 से डिवाइड कर दूं कितना? 6 × 6 = 12 और 6 × 5 = 30, 50 हो गया जी। अब भाई 12 से ही डिवाइड कर दूं तो कितना? 12 × 4 = 48 और 2/12, यानी कि क्या कह सकूं भाई? मैं कह सकूं कि जो कीमत होगी वो 4 सही 1/6 रुपये होगी, इतना रुपये प्रति किलोग्राम होगी। 4 सही 1/6 रुपये प्रति किलोग्राम किसकी कीमत होगी? वास्तविक कीमत होगी बच्चे इसकी। किसकी कीमत होगी? वास्तविक कीमत होगी। क्यों? क्योंकि वो पहले 300 रुपये में 72 किलोग्राम लेके आता था, आज 300 रुपये में 60 किलोग्राम, यानी कितने कम कर दिए? 12 किलोग्राम। वर्तमान मूल्य क्या होगा साहब? तो आप कहोगे कि 300 ही रुपए खर्च करे यार उसने, लेकिन कितना लेके आया? तो आप कहोगे 60 किलोग्राम लेके आया। तो प्रति किलोग्राम रेट क्या होगा? तो आप कहोगे कि नई जो रेट है वो 5 रुपए प्रति किलोग्राम है। नया रेट क्या है उसका? तो आप कहोगे 5 रुपए प्रति किलोग्राम उसका नया रेट है। तो क्या आपकी समझ में आया भाई? उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। देखो, एक बार वीडियो देखने के बाद आप वीडियो को दोबारा जरूर देखें, क्योंकि आपके जो डाउट्स हैं वो दोबारा देखने के बाद क्लियर होंगे। भाई एकदम से तो आप मतलब कि इतना कर नहीं सकते कि भाई एकदम से ही पूरा का पूरा दिमाग में आ गया कि आप कंप्यूटर हैं कि दिमाग में सारा का सारा फिट हो गया। तो आप क्या करें कि आप दोबारा वो करें और नोट्स जरूर बनावें अपने, ताकि आप समझें, देखें जब उसे तो आपकी समझ में आवे कि किस तरीके से है। मैं मतलब कि हर एक चीज देखो इसमें, चाहे जो वीडियो बने मैं आपको परसेंटेज ऐसा करा दूंगा कि आपका कोई सवाल नहीं छूटेगा जी। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आया होगा बच्चे। ठीक है, तो चलते हैं। या मैं आपको इसका एक और तरीका समझाऊं कि मैं आपको एक और तरीका समझाऊं तो और तरीका क्या हो सके? तो एक और तरीका समझा देता हूं भाई मैं आपको। देखियो, अगर आप समझ पाओ तो थोड़ा ध्यान दियो। अगर रीड बिटवीन लाइंस का मतलब क्या है? छिपे हुए अर्थ को समझें तो क्या होगा इसका मतलब? हर अगर चीनी के दाम 20% बढ़े तो खपत कितनी कम हुई? 12 किलोग्राम। कितनी कम हुई? 12 किलोग्राम खपत की कमी हुई। यानी कि अगर मैं थोड़ा सा डीपली समझूं इस बात को, तो क्या यह बात कह सकूं कि भाई जो दाम में 20% की कमी आई ना, सॉरी बढ़ी ना 20%, केवल उस 20% के बढ़ने के कारण ही 12 किलोग्राम की खपत कम हुई। ठीक है, तो इसका मतलब सीधा क्या है कि 20% की कमी बढ़त के कारण 12 किलोग्राम जो कम हुए, तो मैं क्या कह सकूं? तो मैं ये बात कह सकूं कि साहब 20% आपने दाम बढ़ाए तो इसके कारण क्या हुआ? तो इसके कारण 12 किलोग्राम कम होगी जी खपत। अगर खपत 12 किलोग्राम कम होगी तो इसका सीधा सा मतलब है कि 20% के कारण ही तो 12 किलोग्राम कम हुई। अगर 20% इंक्रीज हुआ तो ही तो 12 किलोग्राम कम हुआ जी, आपकी खपत कम हुई है ना। तो इसका मतलब 20% की वैल्यू क्या है? 12 किलोग्राम है। तो अगर 12 किलोग्राम है तो 100% की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहोगे कि आप इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दें और आप यहां भी 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना होगा? 60 किलोग्राम। कितना होगा साहब? 60 किलोग्राम होगा। और मेरे बच्चे सिर्फ इतना ध्यान रखना कि जो यह 60 किलोग्राम होगी ना, यह आपकी वास्तविक खपत नहीं होगी, नई खपत होगी, वर्तमान खपत होगी। बस इस बात को ध्यान रखना आपको कि जो आपका यहां से 100% निकल के आएगा ना, तो जो 100% होगा यहां से वो आपका क्या होगा? नई खपत होगी, यानी कि आपकी वर्तमान खपत होगी। तो बच्चे इस वर्तमान खपत है कितनी? तो आप कहोगे कि वर्तमान खपत आई कितने किलोग्राम? 60 किलोग्राम। कितने किलोग्राम? 60 किलोग्राम। तो यहां 100% की वैल्यू 60 किलोग्राम। क्यों? केवल 20% वृद्धि के कारण 12 किलोग्राम कम हुई। तो इसका मतलब है 20% का मतलब 12 किलोग्राम। तो यहां से 100% की वैल्यू कितनी? 60 किलोग्राम। तो वर्तमान खपत कितनी? 60 किलोग्राम है।
अगर वर्तमान खपत 60 किलोग्राम है बच्चे, तो वर्तमान खपत इतनी है तो वास्तविक कितनी रही होगी? तो आप कहोगे कि 12 किलोग्राम की कमी कर दी गई, तब जाकर 60 किलोग्राम नई खपत आई होगी। अगर 12 किलोग्राम की कमी कर दी गई तब नई खपत आई, यानी कि वर्तमान खपत कब आई? वर्तमान खपत कब आई? वर्तमान खपत तब आई जब आपने 12 किलोग्राम की कमी कर दी। कब आई? 12 किलोग्राम की कमी के कारण। तो यार यहां कितने किलोग्राम रहा होगा? तो आप कहोगे 72 किलोग्राम रहा होगा। हाँ या ना? अरे हाँ या ना बोला करो यार, जहां बैठे वहीं बोल दो। वास्तविक खपत क्या होगा? 72 किलोग्राम होगा। क्या होगा? 72 किलोग्राम होगा। अब 72 किलोग्राम वो पहले किस रेट में लेकर आया? 300 रुपए में लेकर आया। तो इसका मतलब आप कहोगे कि 300 रुपए में पहले कितने किलोग्राम लेकर आया? 72 किलोग्राम। तो रेट क्या होगा? 1/6 रुपए पर केजी। हाँ या ना बोलो जी। वास्तविक मूल्य क्या होगा? तो वास्तविक मूल्य के लिए आपको वास्तविक खपत का पता होना चाहिए भाई। तो आपके पास कीमत टोटल कितनी थी? 300 रुपए पहले थे, 300 रुपए के ही बाद में लिया, और बाद में आप 300 रुपए में कितने किलोग्राम ले जा रहे थे? 60। तो आपका नया रेट क्या होगा भाई? 5 रुपए पर केजी होगा। तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को सोल्व आउट मेरे बच्चे कर सकते थे बड़े आसानी से। हम क्या कर सकते थे? इस क्वेश्चन को कर सकते थे इस तरीके से भी। तो उम्मीद है कि आपके ये सवाल समझ में आया होगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत? और एक बात और ध्यान से समझो कि आप जो कमेंट नहीं करते ना क्वेश्चन का या किसी भी तरीके से, तो भाई कमेंट करो यार, तभी तो पता चला ना कि आपको रिक्वायरमेंट किस। देखो कमेंट से इस बात का पता चलेगा कि भाई क्या चीज समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, देखो आपके जो डाउट होंगे कि जो आपके डाउट होंगे उनमें पूरे सबके सब डाउट को, जो भी आपका डाउट है परसेंटेज का, मैं क्लास लूंगा कि आपके डाउट की क्लास ले लूंगा मैं। तो आप डाउट इत्यादि भेजो, जिस तरीके से एक बच्चे ने हैप्पी सिंह, ठीक है मेरा स्टूडेंट था वैसे भी, तो उसने डाउट कहा कि भाई पहले वीडियो का कोई क्वेश्चन है उसका जिसको उसको मतलब की दिक्कत है, तो मैं एक अलग से ही वीडियो बना दूंगा उन क्वेश्चन की जो डाउट होंगे या आपका कोई भी डाउट होगा। लेकिन जो आपका डाउट होगा ना, वो डाउट आपका जेन्युइन डाउट होना चाहिए भाई। क्या होना चाहिए? जेन्युइन डाउट होना चाहिए आपका, तब मैं उसको डील कर लेंगे, हम एक वीडियो बना देंगे उसके ऊपर ही। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बच्चे आपके सामने एक और सवाल है, और इस सवाल को आप सोल्व करके कमेंट बॉक्स में इसके आंसर दोगे, और भाई आंसर जरूर दें क्योंकि आपका आंसर किसी भी क्वेश्चन पर नहीं आता। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें। उम्मीद है कि आपको ये सब जो मैं पढ़ाया आज की क्लास में पसंद आया होगा, तो आप इसे शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। और अगर आपको रीजनिंग की क्लास ज्वाइन नहीं की है आपने, तो रीजनिंग की क्लास को भी ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच।